गुलाबचंद दुबे, ठाणे आप ही को मिल रही है या तैयार है कुर्बानी के लिए? जी जी पूजा जी, ठाणे से जी, इस नवरात्र के प्रथम आगमन पे सभी देशवासियों के आपके माध्यम से शुभकामना देता हूँ। गुड़ी पाड़वा का विशेष महाराष्ट्र के परिपाटी के अनुसार नया वर्ष का उत्थान हो रहा है। अब आपने आपने पूछा मुझसे कि ठाणे किसका, ठाणे महायुति का। और जहां आपने कहा बलिदान की बात, तो बात बलिदान की कहां बात आती है, बात यहां अधिकार की बात आती है। महायुति के माध्यम से, उस अधिकार के माध्यम से आपको बताना चाहूं। सीटें ये ठाणे किसके किसके पास जा रही है मुझे ये बताइए ना। महायुति तो लड़ेगी 48 सीटों पर, वो तो पता ही है हमें पूजा जी। कुछ लेकिन कुछ किसके खाते में जा रही है, बीजेपी को दे रहे हैं या बेटे की चाह में कुर्बान करने वाले? बातें गौरतलब हो कि हमारी जितनी भी सीटें शिवसेना के घोषित करने वाले हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ये हमारा सामंजस्य, ये मेरे महायुति, ये हम एक दूसरे के मान सम्मान का, यह हमारा परंपरा शुरुआत हुआ है। अभी अभी कल्याण से जो घोषणा हुई श्रीकांत जी का, वो घोषणा देवेंद्र फडणवीस जी की। कुछ घंटे की इंतजार करने की आवश्यकता है पूजा जी, या आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे कि ठाणे तो सीट आप भी किसके। आज ही कर रहे हैं क्या ऐलान? क्यों कह लीजिए कि आज ही ऐलान है कि हमने बताया ना आपको कि महायुति के अंतर्गत किसी प्रकार ने कोई कला, हमारी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है। हम बस इस मांगलिक वेला के इंतजार कर रहे थे, इस पुण्य समय के इंतजार कर रहे थे। आज आपको, आज और कल में पूरा कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि कौन सीट किसके पास है। ये जरूर है, ये जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, दादा माने अजीत दादा पवार के गुट के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। एक दूसरे से हंस से खेलते हम लोगों ने अपनी शेयर सीटिंग करने के बाद, अब चुनावी मैदान में बिगुल बज चुका है कि जैसे कि हमारे आदरणीय पाठक जी ने बताया कि नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक वहां पे एक अलग जग चुका है, और हम 48 में से 45 ऊपर हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। रही बात आपके रंजन जी बता रहे थे कि असली शिवसैनिक के पास शिवसेना आई हुई है, अब इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे बड़े भाई किशोर तिवारी जी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी का तो कोई सीट आने की संभावना नहीं है। तो हम तो समझ रहे हैं कि पूरे देश को इन्हीं के पास आ जाना चाहिए। वो तो जनता जनार्दन असली शिवसेना या असली एनसीपी किसे मानती है? कानूनन तो ठीक है आपके पास है, लेकिन जनता क्या सोचती है? क्योंकि इसका सीधा फायदा यहाँ पर एमवीए भी ले जा सकता है। पूजा जी, जनमानस, जनादेश यह फैसला कर चुका है। आने वाला 4 जून को पता लग जाएगा कि इस देश का संविधान ही नहीं, आयोग ही नहीं मुझे उचित ठहराया, मुझे सिंबल नहीं दिया, बल्कि देश ने इस हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने के लिए, जतन करने के लिए सही वारिस आदरणीय एकनाथ शिंदे साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और नहीं देश को, न महाराष्ट्र को संदेह है किसी बात का। ठीक है, बोले किशोर जी, बोलिए किशोर जी। किशोर जी क्या बोलेंगे, किशोर जी बोलने के पास बचा क्या है, ये क्या जानेंगे शिवसेना का मतलब, इनको क्या पता है? अभी जनता की अदालत में जाना बाकी है गुलाबचंद जी, अभी जनता की अदालत में जाना है। किशोर तिवारी, एक बात मैं देखो, पूजा जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र, यह शिवाजी महाराज की भूमि है और महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे का सत्ता से बाजू में करना और जिस प्रकार से गद्दारों की हाथ में सत्ता देना, ये नागवार गुजरा है। और मैं गुलाबचंद जी आपको बताना चाहता हूँ कि आपके तो सिटिंग एमपी को ही टिकट बीजेपी ने नकार दिया, बीजेपी ने कांग्रेस से विधायक ऐसा नहीं। बीच में मत टोकिए, बोले किशोर जी। नहीं, जो माहौल महाराष्ट्र में ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं तो डेली प्रचार में जाता हूँ, लोग उद्धव जी के आंधी आ चुके और उद्धव जी जो सीट लड़ाएंगे वो सीट आ रही है, ये मैं अभी बताता हूँ। चुनाव के रिजल्ट के बाद हम देखेंगे कि उद्धव जी या एक प्रोमिनेंट लीडर रहेंगे इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार आ रही है, क्योंकि लोगों को ये नागवार गुजरा, वर्टिकल स्प्लिट नागवार गुजरी। एक तो किसानों के, कल मोदी जी आए उन्होंने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कपास उगाने वाले किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। मोदी जी को ये मालूम ही नहीं कि ग्राउंड में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ना तो घर बने, ना तो पीने का पानी पहुंचा। मोदी जी जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसी सरकार थी जहां सारे भ्रष्टाचारी मिल गए थे, तो हालत बहुत खराब चल रही है। मैं विश्वास पाठक को भी बोलूंगा कि बंबई से आकर नागपुर में देख लो, नागपुर के अंदर नितिन गडकरी की सीट फंस गई है।
हाँ, विदर्भ की दूसरी सीटें तो पूरी आप हार रहे, और नितिन गडकरी ये मेरे बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन इतना कॉम्पिटिशन हो रहा है कि नितिन गडकरी तरीके ऐसे आदमी ने योगी जी को बुला लिया। योगी जी जो धर्माधिष्ठ राजकारण करने वाले हैं, मोदी जी की कल मैं अभी बता रहा हूं, अगर मोदी जी के 10 साल का कार्यकलाप इतना अच्छा है, तो मोदी जी ये जो रोड शो दिन में 8-8 सभाएं, ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी को बताने की क्या जरूरत है? 400 पार का नारा है, 400 पार का नारा है, और इतनी संख्या हासिल करनी है? नहीं, आरएसएस का रिपोर्ट कहता है कि ये 180 से 200 के बीच में अटक जाएंगे। बोले विश्वास पाठक जी, 180 से 200 के बीच में आरएसएस का सर्वे का हवाला दे रहे हैं। मैं विश्वास को भी मालूम।